नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स क्रेजी और आज हम बात करेंगे भारत के टेबल टेनिस के प्रमुख खिलाड़ी अचंत शरत कमल के बारे में, जिनसे उम्मीदें लगाई जा रही हैं कि वो टोक्यो ओलंपिक्स 2021 में भारत को मेडल जिताएंगे। और भारत के जबरदस्त खिलाड़ी रहे अचंत शरत कमल और आज से नहीं बहुत सालों से रहे हैं। एक नजर डालते हैं उनकी जीवनी पर, उनकी अचीवमेंट्स पर, कुछ अनसंग फैक्ट्स के बारे में। तो मैं आपको बता देता हूँ कि अचंत शरत जो है वो सुर्खियों में तब आए जब उन्होंने भारत को पहली बार व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जिताया। उन्होंने यह पदक 2006 के राष्ट्रमंडल खेलों में मेलबर्न में जीता था। व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने के अतिरिक्त अचंत ने सिंगापुर के विरुद्ध भारतीय टेबल टेनिस को जिताने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अचंत शरत ने अपनी योग्यता तब साबित करनी शुरू कर दी थी जब उन्होंने तमिलनाडु राज्य के खिताब पर सीनियर कैटेगरी में कब्जा कर लिया था। उन्होंने 2003 में टेबल टेनिस की राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती थी। इसके पश्चात 2004 में शरत कमल ने कुआलालंपुर में हुई 16वीं राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीता था। अचंत शरत कमल ने यह पदक जीतकर प्रथम भारतीय खिलाड़ी होने का गर्व हासिल किया। उनकी सफलता को देखते भारत सरकार ने अर्जुन पुरस्कार देकर सम्मानित किया। अचंत शरत इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन में सेवारत हैं। थोड़ा सा नजर डालते हैं कि उनके पुरस्कारों के बारे में कि 2003 में शरत कमल ने टेबल टेनिस की राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती, 2004 में कुआलालंपुर में राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप जीती जिसका जिक्र मैं कर चुका हूं, मेलबर्न में के राष्ट्रमंडल खेलों का भी जिक्र हो चुका है। थोड़ा सा उनके करियर से जुड़ी बातों पर नजर डालते हैं। अचंत शरत कमल का जो जन्म है वो 12 जुलाई 1982 को हुआ। वो घर पर तेलुगु भाषा का इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने अपने स्कूल की पढ़ाई PSBB स्कूल से की और ग्रेजुएशन चेन्नई के लॉयला कॉलेज से की है। अचंत शरत कमल भारत की ओर से खेलने वाले सबसे अच्छे खिलाड़ी हैं। मई 2015 में उनकी रैंकिंग 32 थी लेकिन 2016 में रैंकिंग 59वें स्थान पर बेसिकली चली गई। साल 2004 में उन्हें अर्जुन पुरस्कार मिला और वो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन में, जैसे आपको बताया कि कार्यरत हैं, सेवारत हैं, यूरोपियन लीग जैसे स्वीडन और स्विस के लिए भी वो खेल चुके हैं। वे अभी जर्मनी के डसलड्रोफ में रहते हैं और बुंदेसलीगा में बोरुसिया डसलड्रोफ क्लब की ओर से भी खेलते हैं। उन्होंने 2010 में मिशिगन में आयोजित US टेबल टेनिस चैंपियनशिप जीती थी। उसी साल उन्होंने मिस्र ओपन भी जीता था। ITTF प्रो टूर पर सिंगल खिताब जीतने वाले वह पहले भारतीय खिलाड़ी बने। उन्होंने पुरुष के टीम की भी अगुवाई की जिसके बारे में अगर आपको बता दें तो वो टीम जाकर के उसने चैंपियन इंग्लैंड को हराया था। 2006 के मेलबर्न कॉमनवेल्थ गेम खेल में उन्होंने बेसिकली ऑस्ट्रेलिया के विलियम हेजल को उनके घरेलू दर्शकों के सामने फाइनल में मात देकर स्वर्ण पदक हासिल किया था। शुभाजी शाह के साथ मिलकर 2010 में दिल्ली के कॉमनवेल्थ खेल के टीम इवेंट में उन्होंने स्वर्ण पदक हासिल किया। 2004 के एथेंस समर ओलंपिक्स और 2006 के कतर एशिया ओलंपिक्स में वो भारत की ओर से खेलने गए। बीजिंग ओलंपिक्स में भारत की ओर से टेबल टेनिस खेलने वाले वे एकमात्र खिलाड़ी थे। अचंत शरत कमल और उनके साथ साथ मानिका बत्रा, अगर हम बात करते हैं, जी सत्यायन, कुछ ऐसे खिलाड़ी हैं, सुश्रिता मुखर्जी, जिनसे बहुत ज्यादा उम्मीदें लगाई जा रही हैं कि वो पदक जिताएंगे टेबल टेनिस में इस बार ओलंपिक्स 2021 में। और जैसी परफॉर्मेंसेस रही है भारत की, चाहे हम सिंगल्स की बात कर लें या मिक्स इवेंट की बात कर लें, उसको देखते हुए ये उम्मीद लगाना गलत नहीं होगा। सो ये थी इंपॉर्टेंट अनसंग फैक्ट्स अचंत शरत कमल के बारे में, उनकी जीवनी, कुछ इंपॉर्टेंट ऐसे अनछुए पल, अनछुए बातें उनके बारे में जिनके बारे में हमें एज ए फैंस पता नहीं था। तो हमारी कोशिश थी कि सिंपल लैंग्वेज में वो आपको बताने की हम कोशिश करें। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, लाइक घंटी जरूर दबाएं। अपने घरों में रहें, अपना ख्याल रखें और सुरक्षित रहें।